हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपने शॉर्ट वीडियो में देखा ही था कि मैंने आपको बोला था कि हम क्या करेंगे, साड़ी की जो वह लहंगा बनाने वाले हैं, डबल सर्कल वाला, डबल अम्ब्रेला लहंगा। तो गाइस, इसकी फुल वीडियो जो हुआ वो आ चुकी है, जो कि मैं आज आपको इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो करते हैं स्टार्ट गाइस। सबसे पहले ये जो हमारी साड़ी थी, तो इसकी हमने लेस वगैरह उतार दी, उसके बाद हमने इसको फोर फोल्ड कर लिया गाइस। तो देखो, हमने इसको फोर फोल्ड करके बिल्कुल सेट कर दिया गाइस। तो आप देख लीजिए अपने मुताबिक कितनी आपने लेंथ रखनी है। अगर आपने ज़्यादा लेंथ रखनी है तो आपको नीचे जो जोड़ पड़ता है, नहीं तो यहाँ पर मुझे इतनी लेंथ ही चाहिए थी, तो मेरी बिना जोड़ के भी जो है वो बन गई। पहले यहाँ से कमर का निशान लगा दीजिए, निशान लगा के यहाँ पर इसकी लेंथ देख लीजिए। तो ये देखो, मेरी लेंथ यहाँ पर होगी, तो मुझे इतनी ही चाहिए थी। तो यहाँ पर करके हमने फिर हम इसको ऊपर से पूरा एंची टेप रखेंगे और पूरी लेंथ यहाँ पर पहले हमने निशान लगा लिया। फिर यहाँ से हम एंची टेप रख के पूरा निशान लगा लेंगे और यहाँ पर रख के ऊपर से रख के पूरा नीचे को जितनी लेंथ थी तो उसको करके हम सर्कल में मार्क कर लेंगे पूरा। देखो गाइस, सर्कल पर करके हमने मार्क कर लिया। तो ये हमारी गाइस, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। पहले नीचे से करेंगे, यहाँ पर हमने मार्क किया, उसके बाद गाइस ऊपर कर लेंगे कटिंग हम। देखो गाइस, यहाँ से कटिंग हो गई, अब हम ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी लहंगे की हो गई। तो ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, अंदर लाइनिंग लानी है। तो लाइनिंग का कपड़ा लिया ही है मैंने गाइस। मैं मार्केट में गई, मुझे कोई सेम मिला ही नहीं, सेम का चाहिए था, तो मुझे यही कपड़ा मिला, तो मैं ये मिलाई। तो हम ए शेप अंदर लाइनिंग बनाएंगे, तो ऐसे करके हमने मार्क कर लिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। ठीक है गाइस, ये हमने लाइनिंग के लिए कपड़ा काट दिया। तो चलो, अब कटिंग हो चुकी है, तो हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। ठीक है गाइस, ये हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो लहंगा है इसको हम इसकी कमर की साइड से पकड़ेंगे और जो लाइनिंग है उसकी ऊपर की साइड से पकड़ के इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से हमने अच्छे से पहले इसको सेट कर लिया, सेट करके हम इसको ज्वाइन कर लेंगे गाइस दोनों को। यहाँ से हम इसको सिलाई कर लो। दूसरी साइड भी गाइस आपने ऐसे ही इसको सिलाई कर देनी। ठीक है गाइस, आपने दूसरी साइड भी इसको ऐसे करके देखो ज्वाइन हो गई हमारी दोनों। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दोनों को उल्टी तरफ रख के ज्वाइन करेंगे। अच्छे से पकड़ लेना गाइस आपने। देखो, यहाँ से हम इधर से पकड़ेंगे इसको और इसको भी हम इधर से पकड़ेंगे। ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे गाइस, जो प्रेस वाली टीकन है उसकी हम बेल्ट बना के लेंगे। तो यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर देना गाइस दोनों को पकड़ के। देखो गाइस, यहाँ से हमने क्या करना है, जो लाइनिंग होगी उसको अंदर अलग रहने देना और जो नीचे से लहंगा होगा उसको अलग। इसलिए हमने यहाँ से इसको यहाँ पर सिलाई लगा दी और लहंगे को हमने अलग से सिलाई लगानी है। देखो गाइस, ये देखो, हमने इसको कमर से पकड़ के यहाँ हमने क्या किया, इसको अलग ज्वाइन कर लिया। ठीक है गाइस, तो अब हम उधर से उसको पकड़ के अलग से ज्वाइन करेंगे। हम उसको उसके साथ अटैच ऊपर से रहेगी, नीचे से पूरी हम उसको ज्वाइन नहीं रखेंगे। ठीक है गाइस, अब यहाँ से हमने किया था, यहाँ से हम इसको सिर्फ इतना ही इसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हमने सिर्फ लाइनिंग को पकड़ा और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है गाइस, इसको हमने यहाँ पर पूरी सिलाई कर दी है नीचे तक। दूसरी साइड भी गाइस आपने बिल्कुल सेम ही करना है। ठीक है गाइस, तो अब हम इसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे गाइस। ठीक है, ये हमने बेल्ट को प्रेस कर ली थी, तो अब हम इसको क्या करेंगे, आपने अच्छे से प्रेस कर ली थी जिसमें आपको चोटी बेल्ट चाहिए। तो अब हम इसको नीचे का इसके ऊपर कपड़ा लगाएंगे, वो जो लहंगे का, और यहाँ से हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे गाइस।
गाइस ये देखो यहाँ पे हमने इसको फुल अटैच किया और हम इसको यहाँ से हुक वगैरह लगा देंगे। यहाँ से हम इसको गाइस सिलाई कर लेंगे पूरी, इसको ऐसे करके पकड़ के सिलाई लगा देंगे। देखो गाइस यहाँ से हमने इसको सिलाई लगा दी, तो यहाँ से हमने इसको पहले सिलाई लगा दी थी जहाँ पर हुक वगैरह लगानी है। अब यहाँ पे करके हम इसका एंड कर देंगे। ठीक है गाइस यहाँ से हम इसको मोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा लेंगे, हम इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे ना गाइस, इसको एक्स्ट्रा भी रखेंगे हम फिर अपनी कमर के मुताबिक रख लेंगे। ठीक है गाइस यहाँ से हमने इसको फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा देंगे। गाइस देखो अब हमने लगा दिया, अब हम ऊपर सिलाई कर देंगे। बेल्ट हमारी लग चुकी है तो यहाँ से हमने इसको एक्स्ट्रा रख लिया ताकि हम कमर के मुताबिक हुक वगैरह लगा सकें। तो ठीक है गाइस यहाँ पर अब हम क्या करेंगे गाइस, जो हमने लेस वगैरह निकाली थी साड़ी से वो हम पूरे नीचे बॉर्डर को लगाएंगे। यहाँ से हमने इधर से इसको पहले सिलाई लगाएंगे फिर इसको उल्टा करके ये वाला डिज़ाइन ऊपर वाली साइड हो जाएगा। ठीक है इसको उल्टा करके इसको हम ऊपर साइड फोल्ड कर देंगे गाइस। तो गाइस ऐसे आपने पूरे घेरे में गैस लगानी है, आपकी लेस जिस टाइप की भी हो तो आप अपने टाइप की लगा सकते हैं गाइस। तो गाइस अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चोली बनाएंगे, तो फुल लुक देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय गाइस।